बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स कर रहे हैं, और जैसे कि हम पहले बेसिक और बेसिक के बाद हमने मेटा ट्रेडर 4 को पढ़ा, उसके बाद हम अब इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि देखते हैं आज हम क्या पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे हाउ मच स्कैम्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। हम पढ़ेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में धोखे कैसे देते हैं लोग लोगों को, किस किस किस्म के धोखे होते हैं और किन किन चीजों से आपने बचना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि टू काइंड्स ऑफ पीपल कम इन मार्केट। कि किसी किस्म की भी कोई मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है या दुनिया की कोई भी मार्केट है, कोई भी मंडी है, उसके अंदर दो किस्म के बंदे आते हैं। एक वो आते हैं जो पैसा लेके आते हैं और एक वो आते हैं जो तजर्बा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। जो लोग पैसा लेके आते हैं वो पैसा जाया कर जाते हैं और तजर्बा ले जाते हैं, और जो लोग एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो अपना एक्सपीरियंस और बढ़ा के ले जाते हैं और पैसा भी ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपने उन लोगों में नहीं बनना कि जो सिर्फ पैसा लेके आते हैं और उनके पास कोई एक्सपीरियंस और तजर्बा नहीं होता और वो अपना सब कुछ जाया करके चले जाते हैं। ये बात बताने का मकसद ये है कि आपने इस चीज़ को सीखना है और सीख के काम करना है, आपने अपना पैसा जाया नहीं करना। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दो किस्म के बंदे आते हैं। जब वो आते हैं तो जो पैसा लेके आते हैं वो वापसी पे अपने साथ तजर्बा लेके जाते हैं, पैसा दे जाते हैं, और जो तजर्बा लेके आते हैं वो पैसा लेके जाते हैं। हू मैनी मैन। तो हम देखते हैं कि आज हम किस किस्म के लोगों की बात करेंगे। पीपल कम्स विद मनी। तो जो लोग भी फॉरेक्स में आते हैं उनके पास वो पैसा बनाने के लिए आते हैं। मैक्सिमम हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि हम पैसा बनाएं फॉरेक्स मार्केट में आके, और वो उनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, वो पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। वो उनको पता होता है कि हम फॉरेक्स में आ रहे हैं, यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करके हम उसके ऊपर पैसा कमाएंगे। इस हद तक हर बंदे को पता होता है, जिसके पास पैसा होता है वही फॉरेक्स के अंदर आता है। और लोग जो है ना फॉरेक्स के अंदर तजर्बे वगैरह की बिना पे नहीं आते, बस उनको थोड़ा बहुत बताया जाता है कि जी फॉरेक्स है, आप ऐसे करेंगे, सेल करेंगे, बाई करेंगे और आप पैसे कमा लेंगे, तो वो जो है ना पैसे बनाना शुरू कर देते हैं और यही समझते हैं कि जी हम आएंगे और हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे, और मार्केट से पैसे कमाना तो बहुत आसान है। तो जो ना वो पैसा लगा बैठते हैं और आके अपना पैसा जाए करके चले जाते हैं। पीपल कम विद ग्रीटनेस। ये यही चीज है कि वो बहुत ज्यादा मतलब ख्वाहिशात लेके आते हैं, भाई मैं अभी जा रहा हूँ, मैंने 10,000 रुपया लगाना है और मैं जनाब 3 दिन के बाद ना अभी ऐसे करूंगा, 1 लाख 2 लाख रुपया बना लूंगा, मैं फलानी चीज ले लूंगा, मोटरसाइकिल ले लूंगा, मोबाइल फोन ले लूंगा, ऐसे कर लूंगा वैसे। तो पहले ही उन्होंने अपनी ख्वाहिशात बनाई हुई होती हैं, तो ऐसी चीज भी नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो फॉरेक्स में आते हैं वो बिगनर्स होते हैं, न्यू होते हैं, जिनको इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता और वो फॉरेक्स में आ जाते हैं। बस थोड़ा सा ही, उनकी मिसाल वही है कि उनको कोई बेसिक का पता ही नहीं होता, बस फॉरेक्स चीज क्या है उनको कोई बताता है, ये दोस्त कोई, भाई मैं तो फॉरेक्स कर रहा हूँ, मैं बड़ा पैसा कमा रहा हूँ और तुम भी फॉरेक्स के अंदर आ जाओ, तो वो भी आते हैं और एंड पे अपना पैसा कमा के चले जाते हैं। तो बेसिकली ये हु मैंस कम, इसका मतलब है कि वो कौन से लोग हैं जो मार्केट में आते हैं और नुकसान करके जाते हैं और उनकी वजूहत क्या है। तो हम आज इस चीज को भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे। तो बहरहाल अभी डिटेल में हम ये चीज देखेंगे, ये जो लोगों के साथ धोखा होता है उसकी वजूहत क्या है, कौन कौन से इस फॉरेक्स के अंदर धोखे हैं और किस किस किस्म के लोगों के साथ होते हैं, और हमने किन चीजों से बचना है और हमने किन किन चीजों की वजह से धोखा नहीं खाना। हमको पहले ही पता होना चाहिए कि फॉरेक्स में ये धोखे हैं। तो जनाब, स्कैम नंबर वन, धोखा नंबर वन जो है फॉरेक्स में, वो है आइडिया ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो आइडिया है ना, ये ही धोखा है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग का ही आइडिया धोखा है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई। तो वो भाई इस तरह धोखा है, यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस, यू डोंट नीड एनी नॉलेज, यू डोंट नीड एनी डिसिप्लिन, यू डोंट नीड एनी हार्ड वर्क।
तो इसका जो ये आइडिया होता है ना कि जी आपको कोई बंदा कह देता है फॉरेक्स करो जी, तुम ये पैसे कमा लोगे, ये बना लोगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी तजर्बे की, बस तुमने बाई सेल करना है, तुम्हारे पास कोई इलम की भी जरूरत नहीं है, तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो तब भी फॉरेक्स इजीली कर सकते हो, तुम्हारे में अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है, जब दिल करे सो जाते हो, जब दिल करे जाग जाते हो, किसी चीज की पाबंदी नहीं है तुम्हारे अंदर, तब भी कोई मसला नहीं है जी, 24 घंटे की मार्केट है, जब दिल करे जाके एंट्री लगाओ पैसा कमा लोगे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग आपको जो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं वो ये भी कहते हैं जी इस काम में तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती ना, बस जस्ट आपने जाना है कि एंट्री लगानी है और ये लो जी 10,000। और मैक्सिमम लोग जो आपको कहते हैं जी बस आपने 50,000, 40,000, 4,000, 5,000 इन्वेस्ट करना है और उसके ऊपर जो नाम ना आपने महीने का 30,000, 50,000 कमाना शुरू कर देना है, उसमें आपको कोई मेहनत करने की तो जरूरत ही नहीं है ना। तो भाई जान, इस किस्म के अगर आपके जहन में आपको किसी बंदे ने कुछ कहा है तो ये सारी बातें गलत हैं। इस किस्म के जो आइडिया देता है आपको बंदा फॉरेक्स करने के लिए, वो सब धोखा है, वो बंदा आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है और ये बहुत बड़ा स्कैम है फॉरेक्स मार्केट में। मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो मेरे पास भी आते हैं और कहते हैं जी हमने फॉरेक्स करना है, इसमें तो काम ही कोई नहीं है, सुना है बस हमने 5-10 हज़ार रुपया लगाना है और उसके बाद बस ये एक एंट्री लगानी है और डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है और इसको सीखना पड़ता है। तो ये सबसे पहला धोखा था जो फॉरेक्स मार्केट में लोगों के साथ होता है। जनाब, जो दूसरे नंबर पे धोखा होता है लोगों के साथ वो होता है जी सिग्नल। वो क्या चीज है? आई विल गिव यू डेली सिग्नल फॉर टिप्स एंड यू आर 2,000 to 5,000 डॉलर पर मंथ। आपको कोई बंदा कहेगा जी कि आप सिंपली मुझे 5,000 रुपया या कुछ पैसे दे दो जो मेरी फीस है और हर महीने के आपने देने हैं, तो मैं आपको जनाब हर महीने के सिग्नल दिया करूंगा, बस आपने करना कुछ नहीं है, मैं आपके मोबाइल पे मैसेज करूंगा अभी बाई कर दो, अभी आपके मोबाइल के मैसेज करूंगा अभी आप सेल कर दो, तो जनाब आपने सिर्फ ये काम करना है, बेशक आप मोबाइल के ऊपर करते रहो कोई मसले नहीं है। तो आप महीने के जनाब 2,000 डॉलर यानी 2 लाख से 5 लाख रुपया आप महीने के बना लोगे, कोई मसले ही नहीं है। तो भाई जान, ये आजकल बहुत बड़ा धोखा है फॉरेक्स में, जो आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर हर बंदे ने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं फेसबुक पे इधर उधर, कह रहा है जी मैं आपको सिग्नल दूंगा, मैं आपको सिग्नल दूंगा, आप हो जी मुझे पांच, कोई कहता है $20 दो, कोई कहता है मुझे $30 दो महीने के, मैं आप मेरी ये इतनी एंट्रियां हिट होती हैं, मैं इतने पैसे बना रहा हूँ। तो भाई जान ये सारी चीजें, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है, आपने इस चीज में भी नहीं फंसना, आपने सिग्नल के चक्कर में भूल के भी नहीं जाना। कोई आपको कहता भी है जी मैं आपको सिग्नल दूंगा, कहो भाई तेरी मेहरबानी, मुझे खुद आता हुआ तो मैं करूंगा, नहीं तो मैंने तुझसे सिग्नल लेके कोई एंट्री नहीं लगानी। इस चीज पे बहुत बिल्कुल आपने डट जाना है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये भाई आपने अपने रूल बनाने हैं, अगर आप ये अपने रूल नहीं बनाओगे तो आप फॉरेक्स से फायदा नहीं हासिल कर सकते। तो जनाब देखते हैं हम के फॉरेक्स में अगला क्या धोखा है। स्कैम नंबर 3, फिक्स रिटर्न पर मंथ। दोस्तों फॉरेक्स के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है और बेसिकली ये जो बंदा धोखा करने वाला होता है वो खुद भी धोखा खा रहा होता है। अभी आप सोचेंगे कि वो किस तरह, बेसिकली कोई बंदा है जो ना आप वो फॉरेक्स में आता है, उसको कोई कहीं से कोई एक आध टिप मिल जाती है जी, वो ऐसे करता है ये तुक्के शुक्के मार के, शुरू में फर्ज करो जी वो $500 लगाता है तो महीने के अंदर या 20-30 दिन के अंदर वो उसको $1,000 कर लेता है, ठीक है वो 50-60 हज़ार ऊपर कमा लेता है, तो वो कहता है भाई ये तो कोई काम मुश्किल ही नहीं है, उसके जितने दाएं बाएं दोस्त यार होते हैं सबको कहते हैं भाई आप मुझे 20-20-30-30 हज़ार रुपया दो, मैं 2-2-3-3 महीने बाद आपको डबल करके वापस करूंगा। तो भाई जान ये चीज भी बहुत बड़ा धोखा है, जब भाई साहब को कुछ आता नहीं होता वो सबसे पैसे तो ले लेते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो स्टाम्प पेपर साइन करते हैं जी मसला ही नहीं है भाई, मैं आपको वादा, मैं कह रहा हूँ ना मेरी जबान पे आपको भरोसा नहीं, मैं आपको इतने पैसे वापस करूंगा, ले आओ जो स्टाम्प पेपर आपने मुझसे साइन कराना है, एग्रीमेंट कर लो, मैं मंथली आपको इतने पैसे दिया करूंगा। तो भाई साहब की जब एंट्री दूसरी तरफ जाती है नुकसान होता है, पैसे खत्म, फिर वो सर पीट रहे होते हैं, तो कई लोग तो ऐसे हैं कि जी वो जेल तक भी चले जाते हैं। तो भाई जान इस चीज से आपने बचना है, आप अपना कमा रहे हो, जब आप सीख जाओ, आप जितने माहिर बन जाओ जितना भी आपने इस लालच में नहीं पड़ना, आपने अपना कमाना है, जो कमाया है साइड पे करना है और लगाना है, कमाना है,
मैक्सिमम कोशिश करनी है, अपनी जेब में डालो साइड पे, आपने एक फिक्स रकम है जिसके ऊपर कमाना है, वो चीजें आपको आगे सारी बताई जाएंगी। तो आपने भाई जाने इस चक्कर में भी नहीं पड़ना। और आपको अगर कोई बंदा कहता है भाई तुम मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारा अकाउंट मैनेज करूंगा, मैं तुम्हें मंथली इतने पैसे दिया करूंगा, या कोई कहता है जी मुझे वैसे इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हें इतने उसकी परसेंटेज मंथली वापस किया करूंगा, इन चक्रों में भी आपने नहीं पड़ना भाई जान, ये भी धोखा है और ये फॉरेक्स के अंदर चल रहा है। अच्छा जी, स्कैम नंबर 4 है पैम अकाउंट। हम मेरे दोस्तों में से किसी ने ये सवाल भी किया था कि पैम अकाउंट क्या होते हैं, तो दोस्त ये भी एक फॉरेक्स के अंदर बहुत बड़ा धोखा है। पैम अकाउंट क्या होता है? पैम अकाउंट ये होता है कि जी कोई बंदा आपको ऑफर करता है जी, पहले कोई अकाउंट दिखाता है जी, देखें इस अकाउंट में मैंने जी $500 लगाए थे, तो अभी मैं मंथली इसके अंदर से जी $4,000 तो $5,000 कमा रहा हूँ। तो वो आपको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाएगा, आप कहेंगे यार इससे तो कोई बड़ा बंदा ही नहीं है जो इतना फॉरेक्स का ट्रेनर है, सही ये फॉरेक्स को सही जानता है। और वो बेसिकली एक आपको और चीज बता दूं, जो पैम अकाउंट होते हैं ये बेसिकली ब्रोकर की मिली भगत होती है, इसमें ब्रोकर का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो मिली ब्रोकर की मिली भगत से और डेमो अकाउंट की मिली भगत से वो अकाउंट तैयार किए जाते हैं। क्योंकि असल में इतना ज्यादा पैसा लगाना फॉरेक्स में, जैसे कि आप कहें जी कोई $30,000 है, $50,000 है, तो ये इतना आसान काम नहीं, इतने बड़े बड़े अकाउंट दिखाए जाते हैं पैम अकाउंट में। तो पैम अकाउंट होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। पैम अकाउंट ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको बंदा कहता है जी मैं इतनी ज्यादा प्रॉफिट कर रहा हूँ, आप मेरा प्रॉफिट देखें, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके अकाउंट को अपने अकाउंट के साथ पैम कर लूंगा, अटैच कर लूंगा, तो जो एंट्री मैं अपने अकाउंट में लगाऊंगा वही आपकी भी लग जाया करेगी। तो आप बस सिंपली आपने करना कुछ भी नहीं है, मैं एंट्री लगाऊंगा आपकी भी लग जाएगी, जो मेरा प्रॉफिट आएगा आपका भी आएगा। तो दोस्त आपके अकाउंट में पैसे होंगे $50, उसके पास पैसे होंगे $50,000, वो लॉट लगाएगा $10 की, तो जब आपके अकाउंट में पैसे ही $50 हैं, वो $10 की लॉट लगाता है तो एक सेकंड भी आपका अकाउंट नहीं निकालेगा। ये तो एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है, तो इस चीज से भी आपने बचना है भाई। चाहे कोई आपका जितना भी जानने वाला है कहे भाई आप मेरे अकाउंट के साथ अपना अकाउंट पैम कर लो, आपने कहा नहीं भाई मुझे खुद आता हुआ तो करूंगा, नहीं तो मुझे जरूरत ही नहीं है फॉरेक्स का, ठीक है, इस चीज से भाई जान आपने बचना है। स्कैम नंबर 5 जनाब, कौन सा धोखा है पांचवें नंबर पे फॉरेक्स में, वो है जी रिबोट। कोई बंदा आपको कहेगा जी ये फलाना रिबोट है, मैं आपको जनाब 5,000 10,000 में देता हूँ जी, मैं आपको 50,000 में देता हूँ, इस तरह के यार ऐसे ऐसे रिपोर्ट लोगों ने जो जिनकी कीमत 1,000 रुपया भी नहीं होती, तो लोगों ने जो ना को 50,000 में बेचा है। तो मैं ये रिपोर्ट दूंगा, आपने करना शरना कुछ नहीं है, बस इसको फिट कर देना है अपने MetaTrader 4 पे, बस आप सोते रहो, ये खुद ही ट्रेडिंग करेगा और आपके पैसे आते रहेंगे, आप मंथली जनाब पता नहीं कितने लाख और कितने पैसे जनाब बनाते जाओगे। तो जनाब साहब मुझे आपने सिर्फ क्या करना है, बस भाई जान मुझे आपने 30,000 रुपया, 50,000 रुपया, 40,000 रुपया इतना दे देना है, बड़ा बेहतरीन रिपोर्ट है जनाब, मैं ये सब कुछ खुद ही करता है, ठीक है। तो भाई जान एक चीज बता दूं, रिपोर्ट जितने भी बनते हैं वो एक किस खास किस्म के माहौल में काम करते हैं। किस तरह, अब फर्ज करें आप अपने घर में एक इंडिकेटर रिपोर्ट ले लेते हो, ठीक है, आप जनाब रिबोट को कहते हो कि जी मेरे कपड़े जो है धोना शुरू कर दो, ठीक है, अभी रिबोट आपके कपड़े धोएगा जी, सही उनको कुचलेगा, सही सब कुछ करेगा उनके ऊपर, सब कुछ करने के बाद उनको साफ सुथरा करके आपको दे देगा। अब अगली बार आपसे गलती हो जाती है, आपका बड़ा महंगा मोबाइल आईफोन रखा हुआ है आपने 80,000 रुपए का है, वो आपकी जेब में रह जाता है और आप कपड़े जो है धोने के लिए रिबोट को दे देते हो, अब रिबोट ने तो फिर भी कपड़ों को कुचलना है मलना है, सही उनसे मल निकालनी है, तो उसमें जो आपका मोबाइल है ना उसकी भी मल निकल जानी है, ठीक है। तो भाई जान बात यही है, रिबोट एक खास किस्म के मॉल में काम करते हैं, जब उस किस्म का मॉल नहीं होता वो एंट्री लगाते हैं तो एंट्री उलट हो जाती है और आपको उसका बहुत बहुत बड़ा लॉस होता है, और ये बहुत बड़ी चीज लॉस करने वाले जो रिबोट होते हैं इनसे आपने भाई जान बचना है। कोई बंदा आपको फ्री भी देना तो आपने रिबोट नहीं लेना, अपनी ट्रेडिंग में नहीं यूज करना। स्कैम नंबर 6 डबल बोनस। तो भाई जाने एक चीज आपको ये बता दूं, ये भी फॉरेक्स के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम है। कुछ जो पुराने ब्रोकर हैं वो तो नहीं, जो अभी आजकल नए ब्रोकर हैं आपकी
फेसबुक के ऊपर इधर उधर आता होगा जी ये नया ब्रोकर है, आप सिर्फ $50 डालें तो हम आपको $3,000 दे देंगे, ये दे देंगे वो दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम होता है लोगों के साथ। आप $50 डालेंगे वो आपको इतना दे देंगे बोनस। पहली तो बात है आप इतना ज्यादा डॉलर और इतना आप बैलेंस दे के कोई ऐसी एंट्री लगाएंगे जी आपके जो ही 50 खत्म होंगे तो वो अपना आप बोनस वापस ले लेंगे और आप घर चले जाएंगे। इन केस वो वापस नहीं भी लेते, आपकी खुशकिस्मती आप उसके ऊपर कुछ बना भी लेते हो, तो ये जो आजकल के नए वाले इतना ज्यादा बोनस देने वाले आ रहे हैं ब्रोकर, वो आपको विड्रॉ ही नहीं देते, तरह तरह की कहानियां करते हैं। तो इस चीज से भी भाई जान आपने बचना है। आपके पास जो चीज है, बेशक आपके पास ₹1,000 है, तो आपने उसे ₹1,000 से ही ट्रेडिंग करनी है। कैसे करनी है पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, आगे भी इंशाल्लाह बताएंगे। जनाब जो आखिरी और सातवां स्कैम है वो है फॉरेक्स के अंदर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स भाई जान और जो होती है रिबोट, ये तकरीबन सेम चीज होते हैं। रिबोट और इंडिकेटर में फर्क ये होता है, इंडिकेटर आपको बताता है कि ये कर दो और रिबोट खुद ही कर देता है। तो आपको इंडिकेटर बाज अवकात कहता है जी आप सेल कर दो, तो आप उसकी मान के सेल कर देते हैं, तो इंडिकेटर साहब जो ना आप कहते हैं जी वो फलानी तो मुझे गलती हो गई, थोड़ी देर आगे जाके फिर सेल का सिग्नल दे देते हैं ऊपर जाके, लेकिन उसके सेल की जगह पे आपका एस एल एट हो जाता है। तो भाई जान आपने इंडिकेटर से भी बचना है। इंडिकेटर हैं कुछ, इंडिकेटर बुरे नहीं होते, इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उस इंडिकेटर को जिसकी आपको इची बीची का पता हो ये किस माहौल पे काम करता है कैसे करता है, जब आप खुद वो चीजें जानते होंगे तो फिर इंडिकेटर एज ए आपको सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना कि भाई आप इंडिकेटर ने कह दिया सेल तो जनाब ने सेल लगा दी है, और जब दोबारा अपने मेटा ट्रेडर 4 को देखा है तो वो कह रहा है भाई अब स्टॉप लॉस हिट हो गया। इन चीजों से भी बचना है मेरे भाई। ये चंद एक फॉरेक्स के अंदर बहुत बड़े स्कैम है जो लोगों के साथ होते हैं, हो सकते हैं आप में से भी कई दोस्तों के साथ ऐसे हो चुका होगा, तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था और उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप लोग इससे बचने की भी कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था। तो आज की क्लास में स्कैम के ऊपर इतना ही जो हम पढ़ना चाहते थे और हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और चीज देखेंगे।